हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम AWS के ऊपर फोटो स्केलिंग के अंदर कोई भी ईसी2 इंस्टेंस कैसे अटैच कर सकते हैं, कैसे डिटैच कर सकते हैं। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम जो हमारा कस्टम डोमेन होता है, जैसे कोई भी कंपनी में कोई डोमेन नेम होता है, एग्जाम्पल के लिए हम जैसे google.com ले लेते हैं, तो इस तरीके से मैंने अपना कोई कस्टम डोमेन नेम ले रखा है अपनी कंपनी के लिए, अपने स्टडी पर्पज के लिए, या आपने कोई भी यूट्यूब अकाउंट क्रिएट कर रखा है आपने अपने नाम से और आप उसका डोमेन परचेज कर रखा है, उस डोमेन को आप कस्टम बनाना चाहते हो, कस्टम यूज करना चाहते हो, अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, जैसे भी यूज करना चाहते हो, तो AWS के अंदर हम Route 53 के अंदर कैसे आप कस्टम डोमेन नेम कन्फिगर कर सकते हो अगर आपको करना हो तो वो कैसे करते हैं हम उसके लिए आज करके देखेंगे AWS कंसोल पे। तो उससे लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास एक AWS अकाउंट का एक्सेस होना चाहिए। मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, कॉन्फ़िगर कस्टम डोमेन इन AWS। ठीक है, तो पहले क्या होना चाहिए, आपके पास AWS अकाउंट होना चाहिए, एक जो AWS एक्टिव अकाउंट। ठीक है, सेकंड आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए कस्टम, ठीक, कस्टम डोमेन नेम आप पब्लिक डोमेन प्रोवाइडर जो भी हैं कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, जो भी डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं आप, AWS भी प्रोवाइड करते हैं, AWS से भी खरीद परचेज कर सकते हो, GoDaddy है और भी बहुत सारे हैं जो कस्टम डोमेन नेम मतलब डोमेन नेम की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे केस में क्या है, मैं यहाँ पे AWS अकाउंट यूज करूंगा मेरे पास जो एक्टिव है, कस्टम डोमेन मैंने GoDaddy से एक डोमेन नेम परचेज किया हुआ है, उस डोमेन को मैं अपने AWS अकाउंट के साथ लिंक करूंगा और फिर मैं क्या करके दिखाऊंगा, मैं अपने AWS अकाउंट के अंदर एक सर्वर क्रिएट करूंगा EC2 इंस्टेंस जिसके ऊपर वेब सर्वर कन्फिगर करूंगा और उस वेब सर्वर को कस्टम डोमेन नेम जो मैं कस्टम डोमेन नेम मैंने लिया है उसको कैसे कन्फिगर कर सकता हूँ वो सारे स्टेप मैं आज करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो कस्टम डोमेन कॉन्फ़िगर करने के लिए AWS के अंदर कौन सी सर्विस होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, R53, इसको शॉर्ट बोलते हैं R53 या Route 53। ठीक है, AWS में इसको ये बोलते हैं, जबकि इसका काम क्या होता है, DNS मैनेजमेंट का। अब DNS मैनेजमेंट का काम है तो इसको नाम DNS क्यों नहीं रखा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, रूट 53 ही क्यों रखा है, रूट R53 क्यों रखा है, R45 क्यों नहीं रखा, R80 क्यों नहीं रखा, R21, 22 या कुछ भी नाम क्यों नहीं रखा, सिर्फ 53 ही क्यों रखा है। तो इसका एक रीजन है R53 का रखने का, क्योंकि नॉर्मल केस में जब हम DNS मैनेजमेंट की बात करते हैं तो नाम आता है डोमेन नेम सर्विस, जो आपका काम करता है कि डोमेन नेम रेजोल्यूशन का काम करता है। ठीक है, DNS ये काम करता है। अब DNS का जो मेन काम होता है वो आपका नेम रेजोल्यूशन हो गया। अब जो DNS काम करता है उसका पोर्ट नंबर होता है आपका 53। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने रूट और 53 DNS का नाम जो पोर्ट नंबर होता है वो यूज किया है और रूट इन्होंने अपना अलग से कस्टम नेम दे दिया कि रूट 53 के DNS नेम के थ्रू हम इसको रूट करवा रहे हैं। ठीक है, नेम रेजोल्यूशन के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने DNS न यूज करके इन्होंने 53 उसका जो पोर्ट नंबर होता है वो यूज किया है, तो इसीलिए इसका नाम रूट 53 है। ठीक है, अब उसके लिए करना क्या है आपको, जब आप फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपको AWS कंसोल पे लॉगिन करना है, तो मैंने यहाँ पे AWS कंसोल पे लॉगिन कर लिया और मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने एक AWS सर्वर के ऊपर, मैंने एक AWS अकाउंट के ऊपर एक EC2 इंस्टेंस कॉन्फ़िगर कर रखा है विंडोज का, जिसके अंदर मैंने वेब सर्विस को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। यहाँ पे मैंने रिमोट लिया हुआ, मैं दिखा भी देता हूँ आपको स्क्रीन यहाँ पे, और मैंने क्लोज कर देता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार ना आपको इसकी फाइल को मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि हमें वेरीफाई हो जाए ठीक से। और मैं यहाँ पे जाता हूँ iNetPub के अंदर root, और जो मेरी इंडेक्स फाइल है इसको मैं कर देता हूँ मॉडिफाई, और इसके अंदर कंटेंट जो है उसको मैं कर देता हूँ रिमूव और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो दिस इज माय फर्स्ट कस्टम डोमेन
ठीक है, मान लो मैंने कंटेंट कुछ भी लिख दिया इसके अंदर, आपको मतलब आपने पूरी वेबसाइट डिजाइन कर रखी है आपकी। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये पेज लिया है, आपने अपनी पूरी वेबसाइट डिजाइन कर रखी है। अब आपको उसको Route 53 मतलब आपको नेम से एक्सेस करना है। अब मैं पब्लिक आईपी इसका कॉपी करता हूँ, तो मैंने Port 80 अलाउ किया हुआ इसके ऊपर, तो मेरा यहाँ पे ये आईपी के थ्रू एक्सेस हो जाना चाहिए। बट मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी कोई डोमेन नेम खरीद रखा है, मान लो मुझे क्लाउड नजट के नाम से, मैंने क्लाउड नजट डॉट इन के नाम से मैंने यहाँ पे एक डोमेन परचेज किया हुआ है गोड आईडी के ऊपर, क्लाउड नजट डॉट इन, मेरी मतलब ये खुद की एक कंपनी है, खुद की एक वेबसाइट बना रखी है मैंने, तो उसका मैंने नाम रखा हुआ है क्लाउड नजट डॉट इन, तो ये डोमेन है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये सर्वर है, ये जो मैं आईपी से एक्सेस कर रहा हूँ, ये आईपी से एक्सेस ना हो के क्लाउड नजर से एक्सेस हो जाए। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे क्लाउड नजर डॉट इन यहाँ पे एक्सेस करके भी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लाउड नजर डॉट इन को एक्सेस करता हूँ, जब तो कुछ भी एक्सेस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि अभी तक ये कन्फिगर्ड नहीं है DNS नेम। तो इसको आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं जाता हूँ उसके लिए अपने AWS कंसोल के ऊपर, और AWS कंसोल पर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ Route 53, R53। ठीक है, R53 ओपन करते हैं, तो Route 53 टैब ओपन हो जाएगी आपकी, और इसके डैशबोर्ड के अंदर आपको मल्टीपल चीजें देता है। आपको DNS मैनेजमेंट फर्स्ट ऑप्शन होता है, जिसके अंदर DNS मैनेजमेंट का काम होता है हमारा। ए होस्टेड जोन टेल Route 53 हाउ टू रिस्पॉन्ड टू DNS क्वेरी फॉर ए डोमेन सच एन example.com। ये कह रहा है कि एक होस्ट जोन हमें क्रिएट करना है, और उसको हमें बताना है कि Route 53 कैसे रिस्पॉन्ड करेगा DNS क्वेरी के लिए जो डोमेन नेम हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है, इसके थ्रू आप ट्रैफिक भी मैनेज कर सकते हो, और इसके लिए अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग भी होती है, और डोमेन रजिस्ट्रेशन। डोमेन रजिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे मैंने डोमेन नेम अभी GoDaddy से परचेज किया हुआ, वो डायरेक्ट आप AWS से कैसे खरीद कर सकते हो, वहां पे आपको रजिस्टर्ड डोमेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा यहाँ पे क्रिएट होस्ट जोन। तो होस्ट जोन क्रिएट करना पड़ेगा हमें पहले, और आप ऐसा नहीं है कि आप एक सिंगल होस्ट जोन क्रिएट कर सकते हो, आप मल्टीपल होस्ट क्रिएट कर सकते हो AWS कंसोल के अंदर। नेक्स्ट चीज क्या होती है, मैं यहाँ पे Route 53 के बारे में थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। फर्स्ट वी कैन क्रिएट मल्टीपल होस्ट जोन इन AWS। ठीक है, सेकंड मतलब मल्टीपल कस्टम डोमेन नेम कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपने ये कॉन्फ़िगर कर दिया तो और नहीं कर सकते हो, नहीं, आप अपने अकाउंट के अंदर मल्टीपल डोमेन कॉन्फ़िगर कस्टम डोमेन कॉन्फ़िगर कर सकते हो। दूसरा चीज आता है, Route 53 इज ए ग्लोबल सर्विस। ठीक है, ये आपकी ग्लोबल सर्विस है, जैसे जैसे हमारी एक AWS की S3 सर्विस है, जो वो ग्लोबली होती है, तो हमारा जो AWS का Route 53 होता है, वो भी आपको ग्लोबली सर्विस होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो रीजन बेस या अवेलेबिलिटी जोन बेस होती है, ना, वो आपकी ग्लोबल सर्विस होती है। जैसे हम Route 53 के अंदर स्विच करते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, जो आपका रीजन वाली लोकेशन होती है, वहाँ पे आपको ग्लोबली शो कर रहा है, और यहाँ पे रीजन आपके हाईलाइट्स नहीं हो रहे, वो सारे ग्रेड आउट है। क्यों ग्रेड आउट है, क्योंकि ये आपकी ग्लोबली सर्विस है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन फीचर्स क्या होता है इसका, Route 53 इज ए सर्वरलेस सर्विस। ठीक है, Route 53 क्या है, एक सर्वरलेस सर्विस है जो आप कॉन्फ़िगर करते हो AWS कंसोल के ऊपर। तो उसके लिए आपको कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको लिनक्स की सर्वर की क्रिएट करने की जरूरत नहीं, कोई RDS इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं, नहीं, ये आपकी सर्वरलेस सर्विस होती है। ये एक AWS ने अपना सर्विस प्रोवाइड कर रखी है, जिसके अंदर आप Route 53 के अंदर जाके आप कुछ भी कर सकते हो, तो इसके अंदर कोई सर्वर कन्फिगर करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स फंक्शन ऑप्शन होते हैं इसके, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर करने के लिए, बट अभी मैं आपको तीन यही चीज बता रहा था। तो अभी हम होस्ट कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम मल्टीपल जोन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल होस्ट जोन क्रिएट करने के लिए पहला स्टेप हमारा क्या होगा, क्रिएट होस्ट जोन। तो मैं अभी क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अभी मेरे पास कोई जोन नहीं है, अगर देखो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर हूँ, अभी अगर मैं यहाँ पे होस्टेड जोन के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि नो होस्टेड जोन, तो मेरे पास अभी कोई होस्टेड जोन नहीं है। अगर आपको कॉन्फ़िगर करने, तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो होस्टेड जोन के अंदर जाके,
और डैशबोर्ड के अंदर जाके आपको जो फर्स्ट ऑप्शन देता है क्रिएटेड होस्ट जोन, उस पर क्लिक करके भी आप यहाँ पे सेम ऑप्शन पे जाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, डोमेन नेम जो भी आपको रखना है, तो मैं कुछ एग्जांपल के लिए कोई भी रख देता हूँ यहाँ पे, या मैं अपना जो मैंने परचेज किया हुआ है मैं वही डोमेन नेम रख लेता हूँ यहाँ पे, क्लाउड नजर्स डॉट इन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं कस्टम डोमेन, और यहाँ पे पब्लिक होस्टेड जोन में अभी इसको कॉन्फिगर करता हूँ पब्लिकली, और क्रिएट कर देते हैं सिंपल इसको। ठीक है, तो जैसे ही हम कोई डोमेन जोन कॉन्फिगर करते हैं, होस्ट जोन कॉन्फिगर करते हैं AWS कंसोल के अंदर, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो सक्सेसफुली क्रिएटेड, नाउ यू कैन क्रिएट रिकॉर्ड्स इन द होस्टेड जोन टू स्पेसिफाई यू वांट 233 ट्रैफिक फॉर योर डोमेन। ठीक है, अब इस ये मेरा जैसे ही कोई होस्ट हम क्रिएट करते हैं, अभी मैंने क्लाउड नजर्स डॉट इन के नाम से एक होस्टिंग क्रिएट किया है। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है कि बाय डिफॉल्ट दो इसने रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं, एक होता है आपका एनएस का मतलब होता है नेम सर्वर, और SA ये आपके रिकॉर्ड्स होते हैं सैंपल रिकॉर्ड्स कुछ। ठीक है, अब नेम सर्वर आपके ये डिटेल्स दिख रही है यहाँ पे होता है, जो बाय डिफॉल्ट ये आपका जब भी कोई भी होस्ट ऐड करते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको लेगा, सेम ये AWS में भी लेता है, और एजोर में भी जब आप ऐड करते हो कस्टम डोमेन नेम तो वहाँ पे भी आपके नेम सर्वर ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये कन्फिगर हो गया, अगर मैं वापस होस्टेड जोन पे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको एक होस्टेड जोन दिख रहा है, और रिकॉर्ड काउंट उसके अंदर अभी तक दो रिकॉर्ड क्रिएट हो रखे हैं पब्लिकली, वो है क्रिएटेड बाय Route 53 है, कस्टम डोमेन डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो और भी जोन क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्रिएट होस्ट जोन पे करोगे तो दोबारा से आप मल्टीपल जो होस्टेड क्रिएट कर सकते हो अपने AWS कंसोल के ऊपर। अभी मुझे क्या करना है, जो मैंने ये क्रिएट किया मुझे इसी को यूज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ क्लाउड नजर डॉट इन में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मैं दो रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। तो रिकॉर्ड कैसे ऐड करते हैं, रिकॉर्ड आपको दो रिकॉर्ड ऐड करने हैं आपके इस सर्वर के लिए, ताकि मैं अपने इस सर्वर का जो पब्लिक IP है उसको मैं यहाँ पे नाम से एक्सेस कर सकूं। तो नाम से एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा सिंपल अपने होस्टेड जोन के अंदर जाऊंगा और क्रिएट रिकॉर्ड कर दूंगा। क्रिएट रिकॉर्ड में आपको क्या करना है, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, अगर आपको कुछ टाइप करना है तो कस्टम नेम देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको डिफॉल्ट छोड़ दीजिए। यहाँ पे सिंपल WW लिख देता हूँ, और ए रिकॉर्ड क्रिएट करना है फर्स्ट हमें, और यहाँ पे वैल्यू जो आपको दिख रही है यहाँ पे आपको डालना है आपकी मशीन का प्राइवेट IP एड्रेस। ठीक है, तो प्राइवेट IP एड्रेस मैं यहाँ पे डालता हूँ अपनी EC2 इंस्टेंस का, मैं कॉपी करता हूँ प्राइवेट IP को, और मैं अपने सर्वर का यहाँ पे डाल देता हूँ प्राइवेट, और यहाँ पे आपका TTL का मतलब होता है यहाँ पे रिस्पॉन्ड टाइम होता है इसका सेकेंडली, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, या अगर आपने कोई अनदर रिकॉर्ड भी आप ऐड करना है तो आप यहीं पे भी ऐड कर सकते हो, ऐड अनदर रिकॉर्ड क्लिक करके। तो मुझे एक और रिकॉर्ड ऐड करना है, या तो आप यहीं पे क्लिक करके इसको ऐड कर दीजिए, या फिर आप पहले इसको क्रिएट कर दीजिए फिर नया रिकॉर्ड ऐड कर दीजिए। ठीक है, दोबारा से क्रिएट करेंगे हम एक और रिकॉर्ड, यहाँ पे भी मैं WW डाल देता हूँ, और यहाँ पे करना है आपको ए रिकॉर्ड हमने क्रिएट कर दिया तो यहाँ पे आपको करना है सी नेम रूट ट्रैफिक टू अनदर डोमेन नेम टू सम AWS रिसोर्सेज। ठीक है, सी नेम क्रिएट करना है, और यहाँ पे आपको आपका डोमेन नेम डालना है, जो आपका डोमेन नेम है क्लाउड नजर डॉट इन, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे कॉपी पेस्ट, और इसको हम करते हैं क्रिएट। तो इसने मुझे एरर दिया, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से WWW हटा देता हूँ, और इसको हम कर देते हैं एक बार क्रिएट, क्या करें इनवैलिड रिसेट नाउ क्लाउड नजर इज नॉट परमिटेड एट एपेक्स इट जॉन क्लाउड नजर आवर सेट फ्रॉम सी नेम एंड DNS नेम क्लाउड नजर इज नॉट परमिटेड एज इट इज क्रिएटेड ए सी नेम और अलियास लूप इन द जॉन्स। ओके, ये कह रहा है कि आपने जो ये डोमेन नेम यहाँ पे कॉन्फ़िगर रखा है वो सेम नहीं लेगा आपका, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे मैं कस्टम वेबसाइट के नाम से डाल देता हूँ या कुछ भी डालता हूँ, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप डाल सकते हो। अब एक कंपनी के अंदर आप एक सर्वर कन्फिगर कर देते हो, आपने मल्टीपल चीजों के लिए सर्वर कन्फिगर किए होते हैं, तो आप उन चीजों के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे नाम डाल सकते हो, बट डोमेन नेम आपका यही रहता है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से ट्राई करता हूँ उसको ऐड करने की, लेगा नहीं ले रहा ये, मैं एक बार पुराने वाले रिकॉर्ड को एडिट करता हूँ जो मैंने ए रिकॉर्ड ऐड किया है, और इसको करते हैं एडिट
मैं हटा देता हूँ यहाँ से और अभी सेव करते हैं। क्रिएट रिकॉर्ड, और यहाँ पे करता हूँ मैं www, प्राइवेट आईपी दोबारा से कॉपी करते हैं, सॉरी डोमेन नेम को डालना होगा मैं अभी, तो मैं अभी करता हूँ डोमेन नेम कॉपी, और रिकॉर्ड टाइप में आपका सी नेम आ जाएगा, और मैं अभी डाल देता हूँ सेव करते हैं, पर ट्राई करते हैं दोबारा से कोई एरर ना दे। तो देखिए इसने अभी कोई एरर नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि जो मैंने ए रिकॉर्ड क्रिएट किया था, ए रिकॉर्ड में मैंने वहाँ पे www लगा दिया था पहले, और फिर जब मैं सी नेम क्रिएट कर रहा हूँ उसी का, तो मैं वहाँ पे भी www लगा रहा हूँ, तो वो उस करके नाम नहीं ले रहा था। अब मेरा इतना काम हो गया, अब अगर मैं यहाँ पे आईपी से दोबारा एक्सेस करता हूँ तो मुझे आईपी से एक्सेस हो रहा है, जब मैं नाम से एक्सेस करता हूँ क्या मुझे नाम से वो एक्सेस होगा? अभी नहीं होगा वो एक्सेस, क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने यहाँ पे ये रिकॉर्ड क्रिएट किया वो मैंने प्राइवेट आईपी के साथ किया, राइट? तो अगर मैं इसको प्राइवेट आईपी की जगह पे पब्लिक आईपी करता हूँ, जो मैंने सी नेम में जो ए रिकॉर्ड मैंने क्रिएट किया है इसका, अगर मैं उसको पब्लिक आईपी के साथ रिकॉर्ड करता हूँ, मैं इसको एडिट करता हूँ रिकॉर्ड को एक बार, और यहाँ पे मैं डालता हूँ अपने EC2 इंस्टेंस का पब्लिक आईपी, प्राइवेट की जगह पे पब्लिक आईपी, सेव करते हैं और दोबारा हम नाम से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो अभी भी आपको ये एक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक है? अब कई बार क्या होता है कि यार कैश सेशन ने उठा रहा होगा ये, आपको इस करके एक्सेस नहीं हो रहा है। मैं इसको एक बार दूसरे ब्राउजर में भी आपको एक्सेस करके दिखा देता हूँ। मान लो मैं अभी ले लेता हूँ फायरफॉक्स, और मैं यहाँ पे डालता हूँ www.cloudnazar.in, तो ये यहाँ पे भी एक्सेस नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमने जो काम करने थे अपने AWS कंसोल से वो तो सारे कर दिए, बट अभी ये काम है जो हमें करना होगा अपने GoDaddy वाले डोमेन पे जाके। GoDaddy वाले डोमेन पे जाके आपको क्या करना है? आपको जाना है अपने, पहले AWS कंसोल पे जाओगे, जो आपका ए रिकॉर्ड है और NS नेम सर्वर रिकॉर्ड है, वो उनकी नेम सर्वर के रिकॉर्ड्स की एंट्री आपको क्या करनी है आपके जो GoDaddy, जहां पे आपने कस्टम डोमेन ले रखा, जैसे मेरे केस में GoDaddy है, आपके केस में कुछ भी हो सकता है, वो आपका AWS के ऊपर भी हो सकता है या किसी और सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी हो सकता है, तो वहां पे आपको इन नेम सर्वर्स की एंट्री करनी पड़ेगी आपके डोमेन के नेम सर्वर के अंदर। GoDaddy के साथ कैसे करते हैं, GoDaddy में मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मेरे ये नेम सर्वर है यहाँ पे होस्टेड जोन के अंदर, और मैं अब जाऊंगा GoDaddy के ऊपर, तो GoDaddy के ऊपर आपको पहले लॉग इन करना अपने GoDaddy वाले अकाउंट पे, और उसके बाद आपको जाना है अकाउंट्स के ऊपर, और उसमें आपको दिखेगा माई प्रोडक्ट का ऑप्शन। माई प्रोडक्ट के अंदर अंदर जाओगे आप, तो वहां पे आपने जितने भी डोमेन ले रखे होंगे और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो मेरे पास अभी एक ही डोमेन है क्लाउड नजर स्टोर इनके नाम से। अगर इसको आपको डिटेल्स में देखना है तो या तो आप DNS पे क्लिक कर दीजिए या फिर मैनेज पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपके पास बहुत सारे हैं तो सबको देखना है तो आप मैनेज ऑल भी कर सकते हैं। तो मैं सिंगल को है, मेरे पास सिंगल को ही मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैनेज डोमेन करते हैं एक बार, या व्यू डोमेन सेटिंग करते हैं यहाँ पे। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है DNS के अंदर, आपको DNS दिख रहा है, और DNS के अंदर आपको यहाँ पे आपका दिख रहा है नेम सर्वर, ठीक है? नेम सर्वर पे जाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ पे दो नेम सर्वर होते हैं, ये आपके डिफॉल्ट रहते हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको मॉडिफाई करना है, मुझे चेंज करना है, किसके साथ चेंज करना है, जो मेरे AWS कंसोल के ऊपर मुझे नेम सर्वर देख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, वन बाय वन इनको कॉपी करूंगा यहाँ से, और अपने GoDaddy डोमेन के ऊपर क्या करूंगा, चेंज नेम सर्वर पे जाऊंगा, और यहाँ पे वन बाय वन करके, या तो आप इनको डाल सकते हो यहाँ पे आई विल यूज माई ओन नेम सर्वर, या फिर अलग से आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ इनको रिप्लेस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर सेकेंड वाला इसी तरीके से आपको करना है। तो आपको सारे डोमेन जो सारे नेम सर्वर हैं सबकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी होगी। ऐड कर देते हैं नेम सर्वर, और लास्ट बचा है अभी आपका
इसको भी हम यहाँ पे ऐड नेम सर्वर करके ऐड कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो आपका यहाँ पे ये ऐड होता है, ये आपका ऐड होने के बाद कंटिन्यू कर देते एक बार यहाँ पे इसको, और इसके बाद क्या होता है, ये आपका टाइम लेता है थोड़ा अपडेट होने के अंदर, कई बार ये आपका 5 से 6 घंटे भी ले लेता है और कई बार ये ऑन द स्पॉट भी आपका अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने इतना काम कर दिया, अब आपने चाहो तो आप क्या करना चाहो, मतलब अगर अभी आपका अपडेट हो गया तो आप अगर आपके जो ईसी टू इंस्टेंस जो पब्लिक आईपी के थ्रू आप एक्सेस कर पा रहे हो वेब सर्वर को, तो उसको अगर आप यहाँ पे नाम से एक्सेस करोगे क्लाउड नजर स्टोर इन से और रिफ्रेश करोगे तो वो आपका एक्सेस हो जाएगा अगर आपका गोडैडी डोमेन सिंक हो गया है एक्टिवली। जैसे कि मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा टाइम लेता है आपका अपडेट होने में, तो वो थोड़ा वेट करना होता है हमें, तो थोड़ा सा और वेट करते हैं हम एक बार यहाँ पे और फिर देखते हैं कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ हमारा नाम। और जब तक यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे देखते हो डीएनएस मैनेजमेंट के अंदर आपका एक होस्टेड जोन दिख रहा है जो हमने क्रिएट किया था, पहले आपको यहाँ पे 0 दिख रहा था, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको वो होस्टेड जोन के अंदर मूव कर देगा। रिकॉर्ड कितने हैं उसके अंदर, अभी पहले 2 थे फिर हमने 2 और ऐड कर दिए तो टोटल 4 रिकॉर्ड आपको यहाँ पे भी शो कर रहा है। एक बार रिफ्रेश करके ट्राई करता हूँ अगर अपडेट हुआ है तो वो। अभी नहीं हुआ है, वो टाइम ले रहा है, तो मैं वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसने मेरा यहाँ पे अराउंड 10 to 15 मिनट्स के आसपास ले लिया है, और 10 to 15 मिनट के बाद जैसे मैं दोबारा पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है, हेलो दिस इज माय फर्स्ट कस्टम डोमेन प्रैक्टिकल ऑन AWS। और अब मैं यहाँ पे किससे एक्सेस कर रहा हूँ, मैं नाम से एक्सेस कर रहा हूँ क्लाउड नजर स्टोर्ड इन। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ये तो आपने क्या कर दिया, आपने एक सिंगल सर्वर को अपने उसके साथ लिंक कर दिया एक सिंगल डोमेन के साथ। अब मुझे अगर मान लो मेरे पास एक और डोमेन है, मुझे किसी और नाम से मैंने उस सर्वर बना दिया, तो मैं वो कैसे यूज कर सकता हूँ, तो सेम इसी तरीके से सारे यही स्टेप आपको यहाँ पे करने होंगे। यहाँ पे हमने एक होस्ट इसके लिए क्रिएट किया, वहां पे आप एक और नया होस्ट कन्फिगर कर सकते हो आपके दूसरे डोमेन के लिए। ठीक है, बट वो आपके मतलब अलग वेबसाइट के लिए, वही आपके अलग वेबसाइट। अगर आपका डोमेन नेम आप एक ही रखना चाहते हो बट उसके अंदर छोटे छोटे आप अलग छोटी छोटी वेबसाइट बनाना चाहते हो, मान लो मैंने एक स्टडी पॉइंट के नाम, जैसे गूगल को ले लो आप, गूगल ने अपने क्या कर रखे हैं, बहुत सारे सब डोमेन बना रखे, gmail.com बना दिया उसने और डोमेन बना रखे, वो उन्होंने अपने अलग बना रखे हैं बट। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के लिए क्या लेता हूँ, मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी खोल दी। ठीक है, उसके अंदर मैंने 2 सर्वर बना दिए, एक मेरा वेब सर्वर बना दिया कंपनी के नाम से और एक मैंने इंटरनल यूज के लिए डाटाबेस के नाम से सर्वर बना रखा। ठीक है, तो जो मैंने कंपनी के वेब सर्वर है वो मैंने आपका उसका मेरा डोमेन नेम है जो मैं कंपनी की वेबसाइट के नाम से इसको रन कर रहा हूँ, तो वहां पे वेबसाइट चल जाएगी आपके मेन होस्ट के साथ, आप उसको लिंक कर दोगे। बट जो आपका जो दूसरा सर्वर है जो आप इंटरनली यूज कर रहे हो, जितने भी सर्वर आप इंटरनल यूज करते हो अपनी कंपनी के अंदर, तो उनके अंदर आप क्या करते जाओगे, आप उनके ए रिकॉर्ड क्रिएट करते जाओगे उसके अंदर। यहाँ पे ए रिकॉर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे ए रिकॉर्ड और सी नेम रिकॉर्ड क्रिएट किया है, तो आप उस तरीके से रिकॉर्ड क्रिएट करते जाओगे, उस तरीके से आपके चेंज हो जाएगा। अब अगर मान लो मैं इसके अंदर मॉडिफाई कर देता हूँ, जो मेरा इसका सी नेम मैंने क्रिएट किया है, अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ और यहाँ पे मैंने जो डब्ल्यू डब्ल्यू लगाया है, तो डब्ल्यू 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 के साथ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्टडी। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ वापिस से सेव। तो अब क्या होगा, जो मेरा नाम मैं यहाँ पे क्लाउड नजर स्टोर इन एक्सेस कर रहा था, अब मुझे वो नाम एक्सेस करना पड़ेगा www.study.cloudnajar.in। ठीक है, डोमेन नेम मेरा यही रहेगा बट उसके साथ मेरे यहाँ पे सब डोमेन बन जाएगा, मतलब मेरा खुद का एक सर्वर है मैं जो कंपनी में इंटरनली यूज कर रहा हूँ, तो मैं उसके साथ study.cloudnajar.in यूज करूंगा, एंटर कर दूंगा तो मेरा वो सेम सर्वर मुझे एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे study.cloudnajar.in में आप जब एक्सेस करते हो तो आपको सेम सर्वर एक्सेस हो रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे इसी को मॉडिफाई किया था एग्जिस्टिंग को। अगर आपको पास एक और नया सर्वर था और उसको आपको इस तरीके से रिकॉर्ड क्रिएट करना था, तो आपको ए रिकॉर्ड और सी रिकॉर्ड उसके दोनों के करनी होगी आपके Root 53 के अंदर, और आप क्या कर पाओगे उसको एक्सेस कर सकते हो अपने पब्लिक आईपी और नाम के साथ। ठीक है, मोस्टली कई बार क्या होता है कि प्राइवेट आईपी के साथ आपको एक्सेस करना होता है, तो आप प्राइवेट आईपी डाल दीजिए पब्लिक की जगह पे,
वो इंटरनल कंपनी के अंदर आपका एक्सेस हो जाएगा, बाहर एक्सेस नहीं करवाना है अगर आपको, तो अगर बाहर भी करवाना है तो फिर उसको पब्लिक आईपी के साथ लिंक कर दीजिए, तो वो बाहर भी एक्सेस हो जाएगा आपका फिर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कस्टम डोमेन में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं AWS के अंदर और उसको अलाउ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोई नया टॉपिक लेके आऊंगा। देखता हूँ मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आती रहती है तो मैं उसके अकॉर्डिंग अभी आजकल टॉपिक बना रहा हूँ। अभी मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई है सर कि आप डॉकर में बता सकते हो कुछ, तो डॉकर का मेरा प्लान है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का, मैं आपको कंप्लीट डॉकर में आपको कम से कम 5 से 6 वीडियो बना के दूंगा, जो कंप्लीट कैसे कैसे हम उस पर डॉकर इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे कंटेनर रन कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक बताऊंगा आपको, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल है जिसमें मैं आपको कोई सेशन भी ना आए शायद मेरा नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर डॉकर वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक AWS के मेरे पास अराउंड 74 और 75 टॉपिक हो चुके हैं। अगर आपको किसी में भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पर्सनली सपोर्ट आपको चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, ईमेल पे कर सकते हो, और आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। ओके, एट द एंड लास्ट में मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको डिलीट करना है आपका कोई होस्ट तो आप होस्टेड जोन के अंदर जाओगे और आप अपनी एंट्री यहां से डिलीट कर दोगे। ठीक है, अभी अगर आप यहां पे डायरेक्ट डिलीट करते तो आपको ये डिलीट नहीं करने देगा क्योंकि कुछ चीजें आपकी यूज हो रही है यहां पे। ठीक है, डिलीट कर रहा हूं तो देखिए क्या कह रहा है, बिफोर यू कैन डिलीट ए होस्टेड जोन यू मस्ट फर्स्ट डिलीट ऑल रिसोर्स रिकॉर्ड्स दैट एक्सेप्टेड द नेम सर्वर। ठीक है, नेम सर्वर के अलावा जो भी नेम सर्वर और SOA रिकॉर्ड के अलावा जितने भी आपने रिकॉर्ड्स क्रिएट करके हैं, कह रहे कि उन रिकॉर्ड्स को आप डिलीट कर दीजिए और उसके बाद आप इसको अपना जो रिकॉर्ड्स है मतलब जो होस्ट आपने क्रिएट कर रखा है उसको डिलीट करना है तो उसको डिलीट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिकॉर्ड्स को डिलीट करता हूँ, ए और सी नेम को फर्स्ट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डिलीट। तो मेरे दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो गए। अब अगर मैं होस्टेड जोन के अंदर वापिस जाता हूँ और मेरे अब होस्ट वाले जोन को मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो अब वो मेरा डिलीट, क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी कोई एंट्री नहीं है मेरे इस जोन के अंदर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सक्सेसफुली डिलीटेड। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपना होस्टेड जोन डिलीट करते हो तो उसके अंदर कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए अलग से, अगर अलग से एंट्री है तो वो आपको डिलीट नहीं करने देगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइज, आज के लिए इतना, बाय बाय।